जय हिंद जो आप लोग क्लास 10th में। और यहाँ पर देखिए 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। चाहे यहाँ पर जीवन परिचय हो, निबंध हो यहाँ पर, या फिर गद्य पद्य, सभी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में। और इस वीडियो को जो आप लोग कंप्लीट देख लोगे तो यहाँ पर आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार से और ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को 823 यहाँ पर EN करा दिया है पेपर, और यहाँ पर DD भी करा दिया है, और यहाँ पर AE भी करा दिया है। कम से कम 5 पेपर सॉल्व करा दिए हैं, 7 जो आप लोग सेट पूरे कर लोगे तो यहाँ पर आपने चाहे अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी बड़ी आसानी से आप लोग 70 में 70 नंबर बिल्कुल पा सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक नाम और मुद्रित पृष्ठों की संख्या 6 है, और यहाँ पर कोड है, और ये सेट नंबर है, और 2024 हिंदी का पेपर है। समय 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा। ये निर्देश ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा मैं आप लोगों को टाइम नहीं नष्ट करूँगा। और हाँ एक चीज़ आप लोग जरूर देख लेना, वो MR शीट कैसे भरी जाती है, मैंने एक वीडियो अच्छी तरीके से बताया, वो वीडियो जरूर ही देख लेना। अब यहाँ से शुरू करते हैं खंड आ से। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे जीवन परिचय हो, गद्यांश पद्यांश हो, चाहे संस्कृत खंड हो, चाहे यहाँ पर श्लोक हो, सभी चीज़ें आप लोगों की इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखना। बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 20 मार्क के होंगे, एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, और ये आपको OMR शीट होगी उसी में आपको हल करना होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखे, एक इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये भी बताते चलूँगा कि आपको क्या क्या मतलब क्या क्या आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिए प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, गलत है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं है, नाटक है। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आएगा। कलम का सिपाही जीवनी विधा है, हाँ सही है, और किसकी है, अमृत राय की है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध यहाँ पर कहानी संग्रह नहीं है। ठीक है, तो बी सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय की, यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह। तो देखिए ठलुआ क्लब के यहाँ पर निबंध के लेखक कौन है, तो गुलाब राय जी हैं या फिर बाबू गुलाब राय जी हैं। ठीक है, अगला पूछा गया 84 वैष्णववन की वार्ता के लेखक कौन है, लल्लू लाल की, गोकुलनाथ जी की, राम प्रसाद निरंजनी की, मुंशी सदा सुखलाल। तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। ठीक है, सभी अच्छी तरीके से याद कर लो और कमेंट जरूर करना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे हैं। अगला है हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, इंदुमती की, यहाँ पर ममता, कफन की, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ममता जो है ये कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है, ध्यान रखना है किसकी, जयशंकर प्रसाद। और कफन तो ये हमारी हमारे यहाँ पर प्रेमचंद जी की है। ठीक है, और उसके बाद में जो इंदुमती है ये क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी है। तो राइट आंसर हमारा कि ये ए वाला हो जाएगा। और किसकी है, तो किशोरीलाल गोस्वामी जी की है, आप लोग ध्यान कर लेना किसकी है, किशोरीलाल गोस्वामी जी की, ये भी पूछा जा सकता है। हिंदी की प्रथम कहानी तो हमारी इंदुमती हो जाएगी। अगला है आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, राधाचरण गोस्वामी की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो राइट आंसर हमारा डी वाला ही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला है उसने कहा था किस विधा पर आधारित है, यात्रावत, कहानी, उपन्यास, निबंध। तो ये हमारी कहानी है, क्या है, कहानी है। अगला है कामायनी के रचनाकार कौन है, मैथिली शरणगुप्त, रामधारी दिनकर, निराला की, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए कामायनी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये जो कामायनी है ये महाकाव्य भी है, ध्यान रखना है आप लोग, बोर्ड एग्जाम में ये भी आ सकता है। ठीक है, ये कामायनी क्या है, यह एक महाकाव्य है, और किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। अगला रीतकाल का अन्य नाम क्या है, स्वर्णकाल, श्रृंगार काल की, संक्रांति काल, उद्भव काल। तो देखिए रीतकाल का अन्य नाम है यहाँ पर श्रृंगार काल। तो राइट आंसर हमारा ए बी वाला हो जाएगा। इसमें देखिए रीतकाल में बिहारी लाल, भूषण, मतिराम, ये सभी रीतकाल के ही कवि माने गए हैं। अगला है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है, 1919 की, 1940 यहाँ पर थ्री यहाँ पर की, 1953 की, यहाँ पर 1952। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रथम तार जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो 1943 ईस्वी, और किसके द्वारा किया गया था, तो अज्ञेय के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अगला है आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा जी की। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, अगला पूछा गया हास्य रस का स्थायित्व। देखिए जो हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य ये 5-5 नंबर के 10 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो आपके रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विकारी से और वाक्यवाची, ये सभी आपके जो होंगे ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में ही पूछे जाएंगे। जैसे इस प्रकार से पूछा गया कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हमारा हास यहाँ पर हास हो जाएगा। जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा, बाकी हास्य रस का स्थायी भाव डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दो ही रस पूछे जाएंगे। अगला है मुख चंद्र तुम्हारा देख सके में कौन सा
अलंकार है, इसमें देखिए हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा क्योंकि इसमें भेद ना रखकर चंद्रमा और मुख में भेद ना रखकर एक रूपता बताई गई है, तो यही हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों में कोई अभेद ना रखकर एक रूपता बताई गई है, तो जिसमें भेद ना रखकर एक रूपता बताई जाए उसी में रूपक अलंकार होता है, जिसमें समानता बताई जाए तुलना की जाए एक वस्तु दूसरे वस्तु से तो वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रोला के कितने चरण होते हैं, तो रोला जो छंद होता है इसके चार चरण होते हैं, ध्यान रखना 1 2 3 4 और सभी में 24 24 मात्राएं होती हैं, चारों चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं, ये भी ध्यान रखना। और जो सोरठा होता है वो जो सोरठा होता है ये क्या दोहे का उल्टा होता है, ये भी आप लोग ध्यान कर लेना। और इसके प्रथम और तृतीय चरण में सोरठा छंद के 11 11 मात्राएं होंगी और द्वितीय और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, मैंने एक वीडियो बना दिया महामैराथन क्लास, वो आप लोग वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगला है सुदर्शन में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, उसी को उपसर्ग बोलते हैं, जो पहले हमारा क्या है ये यहाँ पर सु जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बाकी ऑप्शन में कोई मिलते नहीं हैं। अगला है राजा रानी में कौन सा समास है, तो जिसमें इस प्रकार से चिन्ह लगा हो और यहाँ पर और हो बीच में, या फिर इस प्रकार से विपरीत मतलब शब्द हों अपोजिट हों और लगा हो, तो समझ जाना वहाँ पर द्वंद्व ही समास होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा होता है और जिसमें संख्यावाचक हो, जैसे शब्द दिया चौराहा में आपको पूछ लिया कि कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि इसमें संख्यावाचक चार राहों का समूह होता है, तो संख्यावाचक द्विगु समास और का लोप हो या इस प्रकार से योजक चिन्ह लगा हो, समझ जाना वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है पंछी का तत्सम रूप होगा, तो हमारा पक्षी हो जाएगा, ठीक है। खग विहग ये तो पर्यायवाची है पक्षी के, लेकिन यहाँ पर जो हमारा तत्सम रूप बता रहा तो ये हमारा पक्षी हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर पूछा गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो यण संधि हो जाएगी, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। वाक्य कितने तत्व होते हैं, तो चार तत्व होते हैं, आप लोग पढ़ लेना कौन कौन से होते हैं। अगला यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा यहाँ पर वाच्य का भेद है, इसमें वाच्य पूछ रहा वाक्य नहीं, तो देखिए कृतवाच्य भी होता है, कर्मवाच्य भी होता है, भाववाच्य होता है, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला पूछा है कि निम्न में से कौन सा विकारी पद है, इसमें देखिए विकारी पद पूछ रहा, तो हमारा जो संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया विशेषण चार ही विकारी पद होते हैं, क्रिया संज्ञा विशेषण और यहाँ पर सर्वनाम, ठीक है, चार ही विकारी पद होते हैं, बाकी और जो ऑप्शन में हों तो समझ जाना अविकारी, ये सभी अविकारी पद हैं, ठीक है, तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। कमेंट करना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे। अब चलते हैं इनको पूरा सॉल्व करवाऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए यहाँ पर ये गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 नंबर का पूछा जाएगा, यहाँ पर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और ये देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, इसमें कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्व्रत का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसे पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो देखिए जिसमें क्या है कुसंग का जोर दिया है और इसमें युवा पुरुष की संगति बता रहा, तो जो आपने समझ गए होंगे ये किस पाठ से लिया गया, ये मित्रता नामक पाठ से बच्चों लिया गया है, और इसके लेखक कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो आसानी से आप लोग लिख पाओगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के यहाँ पर पाठ का नाम मित्रता नामक पाठ से संकलित है, इसके लेखक कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, किसी युवा पुरुष की संगत क्या बता रहा है कि जो किसी लेखक कहता है कि किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो क्या है हमारे जो पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, और जो उसे दिन दिन क्या है अवनत मतलब यहाँ पर अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और जो अच्छी होगी क्या है सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी, इस प्रकार से व्याख्या कर देना। उसके बाद में कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर, देखिए कुसंग जो होगी तो क्या है कुसंग जो होगी तो क्या है यदि संगत बुरी होगी तो क्या है हमारे पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, बाकी जो अच्छी होगी तो क्या है सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो यहाँ पर दिन दिन या निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अगला पूछा गया कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, ये देखिए हमारा भारतीय संस्करण नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक यहाँ पर हमारे हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर हिंदी के भारतीय संस्करण नामक पाठ से संकलित है, इसके लेखक कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। व्याख्या करना है तो ये जो पैराग्राफ है यही रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। कैसे करना है, लेखक कहता है कि आज मनुष्य यहाँ पर विज्ञानों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, इसका उपयोग जो हम अच्छी तरीके से करेंगे तो क्या है वो
जो समूह के गिराने में होगा और जो यहाँ पर जो उसका बुरा जो असर होगा, तो इसी प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेना इसमें देख देख कर। मैंने एक वीडियो बना दिया, आप लोग वो वीडियो जो ही देख लेना। बाकी आज मनुष्य यहाँ पर आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो देखिए इसी में इसका उत्तर मिल जाएगा क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आज मनुष्य के यहाँ पर जो यहाँ पर आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो आज विज्ञान जो मनुष्य में क्या है, अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अगला पूछा गया, शीश जटा उर्बाह विशाल विलोचन यहाँ पर लाल तिरछी सी भौएं और तून सरासन बाण धरे तुलसी बने। इसमें तुलसी शब्द दिया तो समझ जाना ये किस पाठ से लिया गया, और ये क्या है आपके पद्यांश वाले हैं। ये भी दो पूछे जाएंगे, इनमें से एक करना अथवा मतलब होता एक ही आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए, तो इसमें भी उसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है, रेखन की तंज की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इसमें भी बहुत सिंपल सा ये पाठ का नाम क्या है, इसमें देखिए धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है बच्चों, ठीक है। किस पाठ से, धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया, कवि कौन है, तुलसीदास जी हैं, ठीक है। बाकी आप लोग कर लेना, बहुत सिंपल सा होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला पूछा गया है, यहाँ हमारा है इसी में देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से है ये देखिए, अथवा अगर क्या आएगा, खावाला क्या है, चींटी को देखा, चींटी को देखा। उसके बाद में यहाँ पर वह सरल विरल काली रेखा यहाँ प्रथम के तागेसी वह हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल और वह है पिपीलिका भांत देखा देखे यहाँ पर देखो ना किस भांति काम करती हुआ संतत और कनकन कनके चुनती अविरत। और यहाँ पर तो हो जाएगा ये किस पाठ से लिया गया, चींटी, और किसकी है, तो सुमित्रानंदन पंत जी की, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी कर लो। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो पूछा जाएगा ये संस्कृत खंड से पूछा जाएगा, गद्यांश वाला होगा, 5 नंबर का होगा, संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसको आप लोग अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीले वर्तते मानव जीवन संस्कृतम ऐसा यथा समयम नवाम विचाराधारम स्वीकारोत। तो ये देखिए हमारा जो है ये हमारा भारतीय संस्करण नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसमें लेखक एकक नहीं होते हैं, ये आप लोग देख लेना, संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। बाकी इसमें भी बहुत सिंपल सा होता है अनुवाद, आप लोग कहोगे तो मैं आप लोग एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद में खावाला पूछा जाएगा, एक ही करना है। ये हमारा वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, किससे लिया गया, वाराणसी। अगला हमारा पूछा गया, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर का पूछा जाएगा। ये श्लोक आएंगे दो ही, एक ही करना है। तो देखिए जो आप दुर्गामी च साक्षरों न च पंडिता अमुखा स्फुटुक्ता चाहे जुना सपंडिता, ये हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग तैयार कर लो, क्या है, आप दुर्गामी बिना पैर वाला है, च साक्षरों न च इक्त न च पंडिता। तो देखिए आप दुर्गामी बिना पैर वाला है लेकिन मिलो दूर जाता, च साक्षरों न च पंडिता, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, अमुखा स्फुट वक्ता बिना मुख वाला लेकिन स्पष्ट बोलता है, चाहे जना सपंडिता, जो ही समझ जाए या जान जाए वही क्या है, पंडित है। तो इसकी मैंने बता दिया, इसको कैसे लिखना है, संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहाँ पर हिंदी के संस्कृत खंड के यहाँ पर प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है, बस सिंपल सा हो जाएगा। बाकी मैंने अनुवाद बता दिया, उसको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, अपने पठित खंड का यहाँ पर अपने अपने जिले पर आधारित आधार पर सारांश लिखिए, ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। ये अपने अपने जिले वाइज खंड का भी होंगे, आप लोग देख लेना आपके जिले में कौन सा होगा, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यहाँ पर देखिए 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, एक ही आपको करना है, लेखक के जीवन परिचय पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पर कोई एक का बता देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि कैसे लिखना है। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही बता दूं, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे हेडिंग डाल देना, जो भी करोगे, बी वाला ए वाला जो भी करोगे, जन्म परिचय हेडिंग डालकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरोदेवी नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद में इनके पिता का नाम महादेव साय था, इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। उसके बाद में इन्होंने क्या है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण करी। उसके बाद में यहाँ पर ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। अगला यहाँ पर, और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये क्या है, ये यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में, यहाँ पर पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट के
वकील भी रहे। और उसके बाद में इनका प्रारंभ से ही क्या है, इनका जो जीवन था ये प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। और सन 1917 ईस्वी में गांधी के यहाँ पर आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्होंने अनेक बार जेल की यातनाएं भी की और भारत के संविधान के निर्माण करने वाली सभा के सभापति भी चुने गए। सादा जीवन, उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। उसके बाद में इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और देश की यहाँ पर सर्वोच्च उपाधि जो भारत रत्न कहा जाता है इसे भी अलंकृत किया गया। और सन यहाँ पर देखिए 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और रचनाएं चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी असफलताएं इनकी ये रचनाएं हैं, और शिक्षा और संस्कृति ये इनकी रचनाएं हैं। तो इनको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर अगला क्या है हमारा, तीन पूछे गए हैं, तीन कवियों में भी तीन पूछे जाएंगे, जीवन परिचय एक ही करना। मैंने सभी पर वीडियो बना दिए हैं, डिटेल में वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। 5 नंबर का ये भी पूछा जाएगा, बाकी एक श्लोक आएगा, 27वां क्वेश्चन होगा, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो दूसरा आपको लिखना होगा, इसलिए कम से कम आपको 3 श्लोक तैयार करने पड़ेंगे। देखिए एक सर्वेभवन सुखना वाला तैयार कर लो, एक आपदे दुर्गामी वाला तैयार कर लो, एक मैडम मंगलम ये त्रिविभूतिश्च वाला तैयार कर लो, बस 3 ही तैयार कर लोगे, आपके यहाँ पर 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। बाकी यहाँ देखिए वाराणसी की मर्थम प्रसिद्ध हस्ती, तो वाराणसी जो नगरी है ये क्या है, यहाँ पर विविध धर्माणाम संगम यहाँ पर स्थली, इसलिए वो विभिन्न धर्मों को मानने वाली संगम स्थली है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। अगली भूमि गुरुतरा की मस्ती, तो भूमि यहाँ पर गुरुतरा माता अस्थि, इसी प्रकार से शायद हो जाएगा, आप लोग देख लेना अलंग छिंद्रा काशित। उसके बाद में वीरा किन पूजते, तो वीरा वीरण पूजते, इसको देख लेना आप लोग। प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर 4 आएंगे, 2 ही आपको करने हैं। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए, 7 नंबर का पूछा जाएगा, 7 छात्र अनुशासन, भ्रष्टाचार की समस्या, विज्ञान वरदान, अभिशाप, स्वदेश प्रेम, पर्यावरण प्रदूषण समस्या, 5 पूछे जाएंगे। इन 5ों में से आपको एक पर निबंध लिखना होगा, मैंने इस पर भी बता दिया, इस पर भी बता दिया, इस पर भी बता दिया, इस पर वो वीडियो सभी आप लोग जरूरी देख लेना, चैनल पर विजिट करके आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी देखिए आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र 4 नंबर का न्यू ऐड कर दिया गया है, देखिए इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी अच्छी तरीके से वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए सेवा में इसी प्रकार से निबंध लिखना है जैसे इस बच्चे ने लिखा या हमने लिखा, सेवा में कामा लगाना, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अपने स्कूल का नाम डालना है, फिर जो भी विषय हो इसी प्रकार से आपको लिखना है। जो डिटेल में वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। बाकी इसी प्रकार से पेपर आएगा और इसी पैटर्न पर आएगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे और नहीं भी मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।